भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निज दिन गुण पावे। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव जय देव जय देव, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, हर हर चैनल। तो जी, हम आ गए हैं और आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो कल की रीडिंग का ही थोड़ा सा जो है एक्सटेंडेड वर्जन होगा एक तरह से, क्योंकि कल की रीडिंग बहुत हैपनिंग आई थी, बहुत अच्छी आई थी, पार्टी है ना। तो बस आप तैयारी कर लीजिए, और एक तरह से अगर कहीं पर कुछ भगवान जी को कुछ बताना हो इस दौरान पे, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो रीडिंग है वो मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड गणेशा है, चैनल मैसेजेस, जो हमको फील होगा कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। हमने अभी अभी 111 देखा, डेफिनेटली किसी चीज़ का शुभारंभ तो होने ही वाला है, किसी चीज़ का श्री गणेश तो होने ही वाला है, न्यू बिगिनिंग्स। और आई एम सो हैप्पी गाइज, आई एम सो हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, क्योंकि इतनी अच्छी रीडिंग आई थी कल, तो उसी वजह से जो है हम खुश हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों के लाइफ में खुशियां आएंगी तो हम भी कहीं ना कहीं खुश हो ही जाएंगे। और अरे वाह, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाई दिया हमें, खैर जो भी है, और जो भी ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है और जैसा भी समय चल रहा है, वो एक ना एक टाइम पे जो भी पेनफुल है, कितना भी तकलीफ आपकी लाइफ से, वो गुज़र रहा है और ऐसा करके बिल्कुल ही चला जा रहा है। तो बस यही है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है रीडिंग आपकी, कैसी आ रही है। टैरो कार्ड्स का ही इस्तेमाल करेंगे। अरे यार, ये क्या हो गया, ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर और यहाँ पर डेथ का कार्ड है, इसके दोनों तरफ से ऐसे करके कार्ड, कुछ होगा बताना चाहते होंगे, ट्रांसफॉर्मेटिव जो एक फेज़ है ऑब्वियसली, तो डेफिनेटली ये बदलाव आपकी ज़िंदगी को बदल देगा पूरी तरीके से। मतलब एक तरह से 222 देखा, हमको ऐसा लगता है जैसे, पता नहीं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ज़रूर एक नया चैप्टर अपनी ज़िंदगी का लिखेंगे, लाइक यू विल राइट योर ओन डेस्टिनी, यू विल रिक्रिएट योर लाइफ, दोबारा से आप अपनी जर्नी को लिखेंगे, अपनी डेस्टिनी को लिखेंगे, खुद लिखेंगे, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तो अब इसी के साथ एक अच्छे नोट पर हम रीडिंग का शुभारंभ करते हैं। तो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो गणपति बाप्पा के मैसेजेस हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो बैठ जाइए अपने अपने जगह पर और देखते हैं गणपति जी क्या कहना चाहते हैं। मैसेजेस कार्ड्स हम आपको शो कर देंगे, लेकिन उसके बाद हम चैनल मैसेजेस गणपति जी की तरफ से लेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। कल की रीडिंग का ही ये आप देख सकते हैं, एक्सटेंडेड कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, उसी रीडिंग से रिलेटेड अगर गणपति जी को कुछ बताना है तो वो आपको अवश्य बताएंगे। तो कार्ड्स के ज़रिए हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कार्ड अभी तक आए नहीं हैं, बट हम रेडी हैं कार्ड्स लेने के लिए, ठीक है। बट कार्ड एक भी नहीं आया है। कार्ड आ गया है, नाइन ऑफ कप्स आया है पहला कार्ड, नाइन ऑफ कप्स तो मतलब विश फुलफिलमेंट। हमारा ये कान खुला नहीं है अभी तक, इसलिए हमको जो है इतना बॉदर नहीं कर रहा है ये आवाज़, एक कान पूरी तरीके से बंद है ना भाई, इसलिए। एनीवेज, नाइन ऑफ कप्स पहला कार्ड देखा गणपति जी, गणपति जी आए हैं, ऐसे ही थोड़ी आए हैं। अब इस कार्ड में देखिए ज़रा, यहाँ पे एक कार्ड में दिल बना हुआ है, हमको सबसे पहले ये दिल दिखाई दिया, उसके बाद ये मून दिखाई दिया, और एक तरह से आपको ये कप्स एक ट्रॉफी जैसा लग रहा है। ये देखो मैग्नेट बना हुआ है ना, हॉर्स शू जैसा, घोड़े की नाल जैसा, तो कितना सारा लक, कितना सारा फॉर्चून आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्यार अट्रैक्ट कर रहे हैं,
यहाँ पे पेंटिकल्स बना हुआ है इस कप में, तो मनी यहाँ पर, दो रिंग है कमिटमेंट, यहाँ पर घोड़े की नाल है हॉर्स शू, और लक है यहाँ पे, मैसेजेस हैं, ये देखो लेटर में एक लेटर है, एनवेलप है जिसमें एक हार्ट बना हुआ है, ये स्टार है तो विश फुलफिलमेंट आप लोगों की। ये क्या है भाई, इस कप में क्या बना हुआ है ये हमको नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको दिखाई दे रहा है समझ आ रहा है तो बताइएगा ये क्या है। और ये एक मून है, तो बहुत सारे रेवोल्यूशंस, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इमोशंस का भंडार। और यहाँ पर है ये बिजली कड़कती हुई, तो अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, तो लाइफ लेसन्स लेकर जो है आप इतने कंटेंट, मतलब एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आप लोगों को होगी, भाई वाह। दूसरा कार्ड आ गया है, अरे ये कार्ड आया है एस ऑफ कॉइन्स, दूसरा कार्ड एस ऑफ, नाइन ऑफ कप्स के तुरंत बाद एस ऑफ कॉइन्स, गणपति जी चैनल मैसेजेस। मैसेजेस, हमको ये कार्ड लगा था पता, ये कार्ड आएगा हमको फील हुआ था, एट ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि चैनल मैसेजेस में वो कुछ बताना चाहते हैं, ये कार्ड हमको पता था। आपको स्टकनेस से निकालने के लिए ही तो आ रहे हैं वो, टेम्परेंस लाइफ में फाइनली बैलेंस करना आपको आ जाएगा, वो आपकी ज़िंदगी में एक संतुलन लेकर आ रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेहतरीन एनर्जीज है, लाइक एट ऑफ सोर्ड्स के बाद टेम्परेंस। आगे देखते हैं, गणपति मैसेजेस फॉर कलेक्टिव, फॉर द जनरल रीडिंग, फॉर द व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक गणेश चतुर्थी के दिन, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइन्स यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड दिखाई दे गया है तो ले रहे हैं, फ्लिप होके पूरी तरीके से हाथ में आया था। यहाँ पे है स्टार, ठीक है, अच्छा तो ये बना हुआ है गुड कर्मा डैम में, अभी देखा हमने स्टार का कार्ड है, क्या बात है, नाइन ऑफ कप्स भी है, विश फुलफिलमेंट, स्टार का भी कार्ड है। गणेश आपकी बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस पूरी करने वाले हैं, आपको पता है, बस करते जाइए, लगे रहिए उस पर, द वर्ल्ड, अगर आप कर रहे हैं कुछ अपनी लाइफ में, देखिए आपका तरीका जो है वो ईमानदारी भरा होना चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया ना कि आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है वो उसकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, ठीक है, और उसका लॉन्ग टर्म आप सोच समझ के उसकी इंटेंशंस अच्छे, कि आप पूरी तरीके से जो भी मैनिफेस्टेशंस है उसको निभाएंगे हर हाल में। चैरियट, क्या करें हम, तीन मेजर अरकाना लगातार, द स्टार, द वर्ल्ड, चैरियट, ये तो मतलब चौथा मेजर अरकाना, और आप देख लो क्या है, ये लवर्स है, द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जीज, बहुत अनएक्सपेक्टेड है चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें जो है डोल जाएंगी, वो हम बताते हैं अभी क्या है, यहाँ पे गणपति जी बता रहे हैं।
दो दो कार्ड एक साथ आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स थोड़ा दिखा दिया इसलिए लिया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स पांच मेजर अरकाने एक साथ, स्टार वर्ल्ड द चैरियट लवर्स टावर दो कार्ड और लेंगे। द हैंग वुमन The Empress, Nine of Cups के नीचे आया Empress, Bottom of the deck, Six of Swords, okay, तो ये कार्ड हम अलग से ले लेते हैं। तो चैनल मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड गणेशा देख लेते हैं, गणू जी क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले गन्नू जी बता रहे हैं, ठीक है, तो अब की बार आप समझ लीजिएगा कि गन्नू जी आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, प्यारी प्यारी संतानों, बहुत इंतज़ार करवाया तुम्हें लेकिन फाइनली अब तुम्हारे उन सभी जो इंतज़ार का, जो सब्र का जो फल है वो साथ में हम लेकर आए हैं, और वो फल इस बार वाकई में बहुत मीठा है। बीच बीच में तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा जो भरोसा है वो टूटना नहीं चाहिए। जिस चीज़ में तुम लगे हुए हो उसी चीज़ में आगे बढ़ते रहो और लगे रहो। हार मानने की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, ना हम तुम्हें हारता हुआ देखना चाहते हैं। तुम्हारा जो भरोसा अब तक हम पर रहा है वही तुमको जो है आगे की ओर लेके जा रही है, और तुम जीत की ओर प्रस्थान कर रहे हो। ये तुम्हारे जीवन का एक नया शुभारंभ हो रहा है, और ये काफ़ी लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार से चलता रहेगा। आखिरकार वो संतुलन जिसका तुम्हें हमेशा से इंतज़ार था, वो संतुलन मैं तुम्हारे जीवन में ला रहा हूँ। मगर मैं ये चाहता हूँ कि तुम जब भी ये इन चीज़ों को अपने जीवन में प्राप्त करो तो तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार ना आए। लंबे समय तक रही जो भी रुकावटें थी, जो भी विघ्न थी, जो भी जैसी भी ऊर्जाओं में तुम अब तक स्टक रहे हो, उन सब नेगेटिव एनर्जीज़ को फाइनली तुम्हारी लाइफ से दूर किया जा रहा है। आने वाले समय में तुम अपने जीवन में बहुत सारा धन, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हो, लेकिन इन इतनी सारी अबंडेंस को पाकर तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का घमंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। प्यारे बच्चों, तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, बहुत धैर्य से, बहुत धीरज से तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं को हमने सुना है, और अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि तुम्हारी जायज़ सभी मांगों को पूरा किया जाए, और वो इस गणपति यानी इस गणेश चतुर्थी के दौरान हम अपने साथ लेकर आए हैं। तो बस अपना भरोसा अटूट रखो और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन में कहीं पर भी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए।
तुम अपने जीवन में बहुत सारा पर्यटन भी अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी तुम बहुत दूर दूर तक भ्रमण करने वाले हो। ना सिर्फ कुछ तीर्थ यात्राएं होने वाली है तुम्हारे जीवन में, बल्कि तुम विश्व भ्रमण करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे पास अचानक से इतना धन आने वाला है, तुम्हारे जीवन में इतनी शांति आने वाली है, विद्या और साथ ही साथ संपत्ति के साथ साथ बुद्धि भी तुम बहुत ज़्यादा अर्जित करने वाले हो। एक चीज़ और बता दूँ कि इस दौरान पे तुम अपने जीवन में तुमको जितना स्ट्रांग बनाया गया है, तुम उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रांग उभर कर सामने आए हो। लेकिन इतना साहसी होने के बावजूद भी, क्योंकि तुमने अपने ऊर्जाओं को संतुलित रखा है, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। अरे वाह, बीच बीच में भले तुम लटक जाओ, तुमको ऐसा लगे कि चीज़ें तुम्हारे काम नहीं कर रही हैं, बीच बीच में थोड़ी देर के लिए ही सही, थोड़ा सा गैप लेने में कोई बुराई नहीं है। तुम यूँ समझ लो कि हम तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाओं को दूर कर रहे हैं। आ रहे हैं गणपति जी, आ रहे हैं। तुम अपने जीवन की वो महारानी बनके उभरोगी, वो महाराज बनके उभरोगे जिसको दुनिया देखेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर वो घमंड, वो अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। बार बार ये चीज़ गणपति जी रिपीट कर रहे हैं कि अचानक से आपके जीवन में बहुत सारी सुख संपदा आने वाली है, तो बहुत सारे लोगों को ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। हमने हमेशा से बोला है कि अहंकार नहीं आना चाहिए। देखिए, चकाचौंध ना अपनी तरफ वो इतना अट्रैक्ट करती है ना, कि वो आप चकाचौंध की उसमें ना आप अपनी उस चीज़ को भूल जाते हैं। ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। इस समय के दौरान हम तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मुंह मांगा प्रेम तुम्हें देने के लिए आए हैं, तुम्हारा मुंह मांगा धन तुम्हें देने के लिए आए हैं, लेकिन फिर से तुम्हें याद दिलाया जाता है कि तुम अपनी ऊर्जाओं को बिल्कुल संतुलित रखो, क्योंकि तुम हमारे सच्चे भक्त हो और हम तुमको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। बीच बीच में चीज़ें तुम्हारे फेवर में वर्क नहीं करती हैं, क्योंकि उस समय हम नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ें तुम्हारे फेवर में वर्क करें, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं हैं, कुछ कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। तो हर समय चीज़ों को कोसना या हमको कोसना बंद करो, अपने भाग्य को कोसना बंद करो, आगे बढ़ते रहो। गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, हार नहीं माननी है। प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में इस समय बहुत 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 सारा संतुलन आ रहा है, बहुत सारी खुशियां लेकर हम आ रहे हैं तुम्हारे जीवन में, और ये भले ही देर से आई हो लेकिन दुरुस्त हैं। तो इस बात पर भरोसा रखना और कभी भी हार मत मानना। लेकिन इस बार जो ये खुशियाँ आई हैं और जिन खुशियों को हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, ये खुशियाँ बहुत लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में रहेंगी। जीवन के बहुत सारे लाइफ लेसन्स तुम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिए हैं, बहुत सारी बाधाओं को, बहुत सारी मुसीबतों को तुमने खुद अकेले पार किया है, और हम इस चीज़ से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता को गर्व से सर ऊंचा करते हुए तुम्हें देखना चाहते हैं, इसलिए कभी भी कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप का सर नीचा हो। प्रिय बच्चों, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और वो अवश्य पूरी की जाएंगी। बस भरोसा रखो, ये अटूट भरोसा ही तुम्हारा हथियार है। ज़रा भी तुम्हारे भरोसे में कमी आई तो वो चीज़ें धीरे 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 और आगे की ओर डीले हो जाएंगी, इसलिए अपना अटूट विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी भक्ति से हम वाकई में बहुत प्रसन्न हैं।
आने वाले समय में ना सिर्फ तुम अपने आप में खुश रहोगे बल्कि तुमसे भी दुनिया बहुत खुश रहेगी। तुम खुद भी बहुत सारे लोगों को खुशियाँ देने आए हो और तुम ऐसा करते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और हमको ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि तुम अपने दिल की पीड़ा को दबाकर दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लेके आते हो। प्यारे बच्चों, बस अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना और इसी तरीके से अपने जीवन में पूरी तरीके से सक्षम बनो और आगे बढ़ते रहो। कहीं पर भी कोई दुविधा आती है तो उस वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, उन कामों को टाल दो। और अगर ये तुमसे नहीं हो पाता है तो फिक्र मत करो, हम उस चीज़ को तुम्हारे लिए खुद ही थोड़ा सा पीछे कर देंगे ताकि तुमको कोई दिक्कत ना आए। जितना हो सके पर्यावरण से अपने आप को जोड़े रखो। तुम्हारे कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, हैं? अरे वाह यार, जितने भी लाइफ लेसन्स तुमको दिए गए हैं वो तुम्हारी बेहतरी के लिए हैं। इसलिए अपने आप को बिल्कुल मत कोसो और हमेशा जो भी जितना भी तुम्हारे पास है उसका धन्यवाद करते रहो। खुश रहो क्योंकि आगे और भी खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम अभी तुमसे विदा लेते हैं, लेकिन हम आए हैं तो बस यूं समझ लो कि अब तुम्हारे जीवन का शुभारंभ हो गया है और एक नए एक नया अध्याय तुम अब अपने जीवन का लिखने वाले हो। इस दौरान पे एक बात और याद रखना, प्यारे बच्चों, तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो करो। खासकर तुमको कुछ भी अगर करना अच्छा लगता है, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी जो तुमको खुशी देता है, तुम उससे जुड़ो, अपने आप को व्यस्त रखो। और जहाँ जब भी तुमको लगे कि कहीं पर तुम अटक रहे हो तो थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक ले लो। इस बार तुम्हारा मनचाहा प्यार भी हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करो, धीरे धीरे तुम्हारे सामने चीज़ें खुलती रहेंगी। अपना ख्याल रखना प्यारे बच्चों और खुश रहना। तो ये थी गणपति गन्नु देवा की मैसेजेस, उनके यार हमको ना ठीक से याद नहीं है कि हमने क्या क्या बोला है, लेकिन हमको ना एक चीज़ याद आई है कि कर्मा बैलेंस हो रहा है, ऐसा बोला था ना, कर्मा बैलेंस हो रहा है। हमको यही सुनना है, बस हमको यही चाहिए, कर्मा बैलेंस हो रहा है मतलब जाहिर सी बात है जस्टिस भी आ रहा होगा। तो वही भाई, यही तो चाहिए ना, हम लोगों को तो इंसाफ चाहिए ना, हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं कि कर्मा बैलेंस हो जाए तो सबको बराबर एक एक करके जस्टिस मिलता रहे। तो गन्नू देवा के मैसेजेस आई होप जो है आप लोग तो पहुंच गए हो और आपने ध्यान से सुना हो, हम जाके सुनेंगे क्योंकि हम तो हमको तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि हमने क्या क्या बोला है, क्या क्या मैसेजेस आए हैं, लेकिन हम ज़रूर सुनेंगे कि वो क्या बताना चाहते थे और क्या बताया उन्होंने। तो चलिए हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हमारा आशीर्वाद भर भर के हैं।
और इसी दौरान पे अगर आप लोगों को रीडिंग लेनी है तो आप सेशन बुक कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्राइसेस चेंज हुए हैं, हमने आपको बता दिया है, तो लेटेस्ट वीडियो के लेटेस्ट डिस्क्रिप्शन पे चेक कीजिए तो प्राइसेस कुछ अपडेट है, ठीक है। बुक करने से पहले अवश्य पहले कॉन्टैक्ट कीजिएगा और कौन सी रीडिंग आपको लेनी है उससे हमें मेल पे पहले बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और हमेशा खुश रहिए। देखिए गणपति जी आए हैं तो जीवन में कुछ तो बेहतरीन, एक न्यू बिगिनिंग्स तो डेफिनेटली होने वाली है। इसको शुभारंभ बोलते हैं, इसी को श्री गणेश बोलते हैं। तो वन नंबर जो होता है, हो सकता है इस दौरान पे आपको 11, 11, 111 बहुत ज़्यादा दिखे, तो एक टेक इट एज अ साइन और खुश रहिए। बहुत ज़्यादा गुड लक आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आ रहा है अबंडेंस, आ रहा है भर भर के। हमको लग रहा है कि बस ऐसा इस बार, मतलब लाफिंग बुद्धा होता है ना, वैसी वाली वाइब्स आ रही है कि लाफिंग बुद्धा के पास एक पोटली होती है ना ऐसे पकड़ के, लाफिंग बुद्धा। लेकिन हमको बार बार ऐसा ना एक इमेज फ्लैश हो रहा है जैसे गन्नू देवता भर भर के पोटली में ना बहुत कुछ खुशियाँ लेके आए हैं, ब्लेसिंग्स लेके आए हैं। ना सिर्फ उनके उस पोटली में पैसे धन है, बल्कि बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अबंडेंस है जो वो ऐसे करके इस बार गठरी में लेके आए हैं और वो ऐसे करके खोलेंगे और आपको दे देंगे ऐसे। और आप मतलब इस रीडिंग से भी, आज की रीडिंग से भी नहा लो भाई, नहा लो, ठीक है। तो यही है, कल हमको एक सपना आया जिसमें पता नहीं, उसमें पता नहीं समझ नहीं आया, उसमें ऐसा लिखा था कि मिनी इज स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, मिनी इज स्प्रेडिंग हैप्पीनेस वर्ल्ड वाइड। पता नहीं क्यों ऐसा हमको फ्लैश दिखा या क्या दिखा, हमको समझ में नहीं आया। बस इतना ही याद था कि मिनी इज ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड ब्रिंगिंग स्माइल वर्ल्ड वाइड। तो हम ना इमोशनल हो गए थे, हमने सोचा कि यार ऐसा सपना आज ही के दिन काहे आया और क्या मतलब था, क्यों आया, क्या वाकई में हम मुस्कान ला रहे हैं लोगों के चेहरों पर, पता नहीं। तो हमारे थोपड़े पे 12 की वजह है, हमको भी मुस्कान लाना चाहिए। बट अगर आप लोग खुश हैं तो हम भी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो आप अपने जर्नी के बारे में हमको ज़रूर बताइएगा मेल करके कि क्या क्या आप लोगों के जीवन में वो सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे आपको वाकई में हम आपके चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं, आप खुशी दे पाते हैं। बस यही हमारे लिए, देखिए यही अर्जित है, यही हमारा, हम हमारा यही मतलब हमारी पूंजी यही है कि आप लोग खुश रहते हैं, तो यही हमारी पूंजी है और क्या ही है, यही साथ में लेके जाएंगे ना। तो बस यही है। तो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो इसी के साथ लेते हैं हम विदा, ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है और हमें भी थोड़ा सा दे दीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप सेशन बुक कर सकते हैं मेल पे। और बस अभी के लिए बस इतना ही, बाय।